न्यूली वेड कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल शादी के बाद हर एक फेस्टिवल साथ मनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन शादी के बाद अब लगता है कि दोनों अपना फर्स्ट वैलेंटाइन डे साथ में नहीं मना पाएंगे। दरअसल इस समय कैटरीना कैफ अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग में बिजी चल रही है, जिस वजह से वो अपने हस्बैंड विक्की कौशल के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगी। आपको बता दें कि सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 का आखिरी शेड्यूल जनवरी में शूट होना था, पर कोविड की वजह से ये शूट आगे की ओर और शेड्यूल करना पड़ा है। खबरों के मुताबिक मेकर्स ने इस शूटिंग का नया शेड्यूल प्लान कर लिया है और फरवरी के बीच में इस शेड्यूलिंग के अनुसार फिल्म की शूटिंग करेंगे, जिसमें कुछ चेंज सीक्वेंस पर फोकस किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मनीष शर्मा फिल्म में कुछ एक्शन सीन्स दिल्ली की सड़कों पर फिल्माने वाले हैं। सलमान दिल्ली की कई ऐतिहासिक लोकेशंस पर शूट करेंगे, जिसमें लाल किले के पास लोकेशन शामिल है। प्रोडक्शन टीम कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखेगी। सलमान खान और कैटरीना कैफ के 12 फरवरी तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि वे 14 फरवरी से फिल्म का शूट शुरू कर सकते हैं। ऐसी खबरें हैं कि 15 दिन के दिल्ली के शेड्यूल से पहले ही सलमान खान मूवी का शूट 5 फरवरी से चालू कर देंगे। वे मुंबई के स्टूडियो में कंसंट्रेशन सीन्स को शूट कर लेंगे। सलमान खान के फैंस टाइगर 3 में उनके नए अवतार को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में इमरान हाशमी नेगेटिव रोल करते दिखाई देंगे। बता दें कि ये पहली बार होगा जब सलमान खान और इमरान हाशमी आमने सामने स्क्रीन शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आप फिल्म टाइगर 3 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।